दोस्तों फोन को चार्ज में लगाए 3-4 घंटे बीत जाते हैं फिर भी आपका फोन फुल चार्ज नहीं होता, तो आज हम आपको 3 ऐसे सेटिंग बताएंगे जिसे अगर आप अपने फोन में तुरंत ऑन कर देते हैं तो सिर्फ 30 मिनट में दोस्तों आपका फोन फुल चार्ज होने लग जाएगा। यानी कि दोस्तों बोल सकते हो ना, सिर्फ आप अपने फोन को चार्ज में लगाकर नाश्ता भी करने जाएंगे तो आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। इतना तेजी से आपका फोन चार्ज होने वाला है सिर्फ 3 सेटिंग करने से। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों किसी भी फोन में फास्ट चार्जिंग इनेबल करने के लिए आपको 3 सेटिंग ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपका फोन फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फोन का जो सेटिंग है इसे ओपन कर लो। सेटिंग ओपन करने के बाद सभी फोन में अलग अलग टाइप की सेटिंग होती है, तो आपको चेक कर लेना है ठीक है कहां कहां पर आपके फोन में सेटिंग दिया है। तो सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है, नीचे की तरफ जाना है। यहां पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा जो कि बैटरी एंड डिवाइस केयर नाम से है, आपके फोन में ओनली बैटरी करके भी हो सकता है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पर बैटरी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपके फोन का जो बैटरी सेटिंग है यह खुलकर आ जाता है। अब यहीं पर दोस्तों आपको 3 सेटिंग को ऑन करना है। कौन कौन सी सेटिंग है एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए आपको नीचे जाना है, यहां पर मोर बैटरी सेटिंग मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहली जो सेटिंग है वो है दोस्तों एडेप्टिव बैटरी। ये सेटिंग क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों इससे करने से आपके फोन की जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सटेंड बैटरी लाइफ, यानी कि ये जो सेटिंग है ये बैटरी लाइफ को बढ़ाता है और फास्ट चार्जिंग में भी मदद करता है। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है, ये पहली सेटिंग है। और दूसरी सेटिंग दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि साफ लिखा है फास्ट चार्जिंग, यानी कि ये सेटिंग क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके फोन को फास्ट चार्ज करने के लिए है ठीक है। टोटली ये फास्ट चार्जिंग वाली सेटिंग है, तो इसे आपको ऑन कर देना है। अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं मिलता है तो कैसे आप इस सेटिंग को लाएंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है। तो वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये 2 सेटिंग यहां पर ऑन करना है, और जो तीसरे नंबर की सेटिंग है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि है प्रोटेक्ट बैटरी। यानी कि इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो कभी भी दोस्तों आपके फोन का जो बैटरी है वो ब्लास्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा और लंबे समय तक हमेशा चलेगा। अक्सर हमने देखा है फोन चार्जिंग के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बैटरी फूट जाती है, तो ये सारी चीजें नहीं होगी अगर आप ये सेटिंग ऑन कर देंगे। तो ये जो तीनों सेटिंग हमने यहां पर ऑन किया है ना, ये सभी दोस्तों चार्जिंग से रिलेटेड है ठीक है। तो आपको ये तीनों सेटिंग ऑन कर देना है और आप अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे ना तो खुद आपको फर्क पता चल जाएगा कि पहले आपका फोन 3-4 घंटे में फुल चार्ज होता था, लेकिन ये 3 सेटिंग ऑन करने के बाद कितना कम समय में आपका फोन फुल चार्ज हो रहा है। एक बार आप ये तीनों सेटिंग ऑन करके ट्राई कर लो। अब बात करते हैं आखिर ये तीनों सेटिंग अगर आपके फोन में नहीं है तो कैसे आप ये तीनों सेटिंग को लाएंगे, कैसे दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली होम बटन पर आ जाना है और ये वाली एक एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। इसे कैसे आप डाउनलोड करेंगे इसका प्रोसेस भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका काम देख लीजिए, इसे आपको इस तरह से ओपन करना है और यहां से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है ठीक है। यहां पर आपको एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है और इस प्रकार से आपको ऑन कर देना है, बैक जाना है उसी एप्लीकेशन में। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको मोड दिया है चार्जिंग मोड, आप देख सकते हैं चार्ज मोड, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको 3 मोड देखने को मिलेगा, फास्ट चार्ज, स्लो मोड और एक्सट्रीम मोड। जैसा कि हमने 3 सेटिंग किया है यहां पर आपको 3 मोड दिया गया है ठीक है, मतलब कि सबका काम एक ही है। तो यहां पर आपको एक्सट्रीम मोड सिलेक्ट करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे जब आप क्लिक करेंगे तो याद रखना आपका फोन चार्जिंग से कनेक्ट होना चाहिए तभी ये ऑन होगा ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने फोन को चार्जिंग में लगा देना है, जैसे कि हम यहां पर अपने फोन को चार्ज में लगा देते हैं, आप देख लीजिए। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके फोन में पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा उसे स्लो कर देगा और आपके फोन को पूरी तरह से फास्ट चार्ज करने लग जाएगा ठीक है। अपने तरीके से दोस्तों ये आपके फोन को चार्ज करेगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह कम हो जाएगा, तो इसे दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये थोड़ा अपने तरीके से फोन को चार्ज करता है, ये मैं गारंटी देता हूं। इसे अगर आप ट्राई करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 30-40 मिनट में ही आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो समझ गए कैसे आपको अपने फोन को फास्ट चार्ज करना है।
अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही चार्जिंग से निकाल देंगे तो आपका जो फोन है वो एकदम नॉर्मल मोड में हो जाएगा जैसे आपका था पहले, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम सही से वर्क करने लग जाएगा। तो समझ गए गाइस कैसे आप इस ट्रिक को अपने फोन में इनेबल करेंगे, यानी कि अगर जिनके फोन में वो तीनों सेटिंग है वो सिर्फ सेटिंग को ऑन करेंगे, जिनके फोन में सेटिंग नहीं है वो इस एप्लीकेशन को अपने फोन में एक्टिवेट करेंगे। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है इस प्रकार से। अब क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो सर्च बार में आना है और यहाँ पर मस्त फॉर यू लिखकर सर्च करना है। पहली जो वेबसाइट आएगी इसे आपको सिंपली ओपन कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो यहाँ पर आपको आ जाना है, बिल्कुल सही एप्लीकेशन मिलती है। यहाँ पर आना है, सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है TURBO, यानी कि टर्बो टाइप करना है, स्पेस देना है और यहाँ पर आपको लिखना है चार्ज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं टर्बो चार्ज, इस प्रकार से लिखना है। पहला जो पोस्ट आएगा इसे आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो आपको नीचे चले आना है। नीचे दोस्तों आपको डाउनलोड का जो बटन है वो मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो एप्लीकेशन जो है आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके अपने फोन में फास्ट चार्जिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं और तीन सेटिंग करके भी अपने फोन में फास्ट चार्जिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।